तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ। तो लॉ के बारे में अलग अलग धारणाएं क्या क्या हैं, तो इसको पहली बात अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जो कानून होता है। फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो ये क्या सूचित करता है, सीक्वेंस या सीरीज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इंडिकेट इनइविटेबल रिजल्ट्स, यानी कि अनअवॉइडेबल रिजल्ट्स की ये बात करता है, नेसेसरली फॉलो फ्रॉम गिवन कंडीशन। अगर हम बात करें पॉलिटिकल थिंकर्स की, जैसे होब्स, लोक और रूसो, तो वो क्या बात करते हैं, सिविल सोसाइटी जो होती है और स्टेट, वो कैसे बनती है उनके अनुसार, रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ऐसे ही लॉ ऑफ, वो बात करते हैं लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का जो नियम है या प्रकृति का कानून है। कार्ल मार्क्स जब बात करते हैं कानून की या नियम की, वो क्या बात करते हैं, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की वो बात करते हैं। अगर कोई एक इकोनॉमिस्ट है या अर्थशास्त्री है तो उसकी नजर में कानून क्या होगा, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर कोई एक डॉक्टर है, फिजिशियन है, तो वो क्या बोलेगा, लॉज ऑफ हेल्थ। मगर पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा अलग व्यू पॉइंट या धारणा होती है। तो जो टर्म लॉ है, ये पॉलिटिकल साइंस में क्या बताती है, रूल्स फॉर द गाइडेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, वो वाले रूल्स जिससे एक व्यक्ति का जो आचरण होता है, बिहेवियर होता है, उसको कैसे गाइड किया जाता है। सच अ लॉ इज कंसर्न विद मोटिव्स एंड इंटरनल एक्ट ऑफ द विल। तो जो ऐसे कानून होते हैं वो किससे मोटिव होते हैं, मोटिव्स किस विल ऑफ द इंडिविजुअल, तो इनको मॉरल लॉ का भी नाम दिया जाता है। और अगर जो कानून है जो इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल ह्यूमन एक्ट से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल लॉस। पॉलिटिकल लॉस जो होते हैं उनको हम पॉजिटिव लॉ का नाम भी देते हैं, सकारात्मक कानून का नाम भी देते हैं, जो किसके द्वारा लागू किया जाता है, इन्फोर्स बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी यहाँ पे बात की जा रही है सरकार की, और अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे तो आपको पनिश भी किया जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो लॉ जो शब्द है ये कहाँ से निकला है, ओल्ड ट्यूटोनिक रूट लैग। तो ट्यूटोनिक जर्मनी की एक लैंग्वेज है, वहां से यह निकला है, जहां पर इसका मतलब होता है समथिंग विच लाइज फिक्स्ड, जो कि निश्चित है, समथिंग विच लाइज फिक्स्ड, जो निश्चित है। इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड इज यूज्ड टू डिनोट विच इज यूनिफॉर्म। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप इसका मतलब समझोगे तो वहां पर यूनिफॉर्मिटी की बात की जा रही है। अब हाँ, आगे हम बात करेंगे डेफिनेशन की, लॉ की डेफिनेशन। तो सालमोंट के अनुसार लॉ क्या है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो वो वाले प्रिंसिपल्स की बात की जाती है जो रिकॉग्नाइज्ड और अप्लाई किए जाते हैं देश के द्वारा, ताकि लोगों को न्याय दिया जा सके। वुड्रो विल्सन के अनुसार लॉ क्या होता है, वुड्रो विल्सन 28th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और इन्होंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस की हुई थी, यानी कि इनकी मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में थी। दैट पोर्शन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड थॉट एंड हैबिट विच हैज गेन्ड डिस्टिंक्ट एंड फॉर्मल रिकॉग्निशन इन द शेप ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स बैक बाय द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बात करते हैं उन स्थापित विचारों की और आदतों की, जिनको एक एक अलग पहचान मिलती है, जिनको एक फॉर्मल पहचान मिलती है, और वो किनके द्वारा बैक किए जाते हैं, यूनिफॉर्म्स रूल के द्वारा। और अथॉरिटी कौन सा होती है, अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट। आगे हम करेंगे काइंड्स और टाइप ऑफ लॉ, कि कानून कितने प्रकार का होता है या हो सकता है। तो इसको अलग अलग टाइप्स में आगे डिवाइड किया गया है। हम स्टार्ट करेंगे म्यूनिसिपल लॉ और नेशनल लॉ। तो म्यूनिसिपल लॉ को हम बोलते हैं नगर पालिका कानून। तो ये कंसर्न है कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, एक जो व्यक्ति होता है उसके आचरण से ये जुड़ा हुआ होता है, म्यूनिसिपल लॉ और नेशनल लॉ।
enacted or recognized by the state, इसको enact लगाया जाता है और जिसको मान्यता सरकार के द्वारा दी जाती है, देश के द्वारा दी जाती है. अप्लाइड बाय इट्स ओन कोर्ट, और इसको अप्लाई कोर्ट्स के द्वारा किया जाता है. एशियंट टाइम में, जो वर्तमान टाइम में जिसको हम नेशनल लॉ बोलते हैं, उस वक्त उसको नगर पालिका कानून, यानी कि उस वक्त उसको म्यूनिसिपल लॉ के नाम से जाना जाता था, जिसमें दोनों कानून इंक्लूड होते थे, एक तो पब्लिक लॉ और दूसरा प्राइवेट लॉ, ये दोनों ही इंक्लूड होते थे म्यूनिसिपल लॉ में. मगर मॉडर्न टाइम में इसको हम जानते हैं नेशनल लॉ के नाम के साथ. इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, म्यूनिसिपल लॉ इज अनदर नेम फॉर नेशनल लॉ. तो पॉलिटिकल साइंस में हम ये भी बोल सकते हैं कि नेशनल लॉ का ही दूसरा नाम म्यूनिसिपल लॉ होता है. सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून. तो ये भी एक म्यूनिसिपल लॉ की ही एक मतलब टाइप है. डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ द रूल्स ले डाउन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये डिफाइन क्या करता है, रिस्पेक्टिव स्फीयर, ज्यूरिसडिक्शन एंड रिलेशन ऑफ इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स. जो सरकार के अलग अलग अंग होते हैं उनके बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में इससे पता लगता है. इट ऑल्सो प्रेस्क्राइब्स लिमिट्स विद इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर टू बी एक्सरसाइज. तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो मेजोरिटी में जो भी आपको कानून देखने को मिलते हैं एक देश के, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ही होते हैं, संवैधानिक कानून ही होते हैं, फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट. तो जो एक रिटन फॉर्म में हमारे सामने होते हैं जिसको हम बोलते हैं संविधान, तो संविधान में आपके ये सारे कानून लिखे होते हैं. थर्ड पॉइंट है स्टैट्यूट और ऑर्डिनरी लॉ, साधारण कानून. स्टैट्यूट को भी कानून ही बोलते हैं. तो ये पास किसके द्वारा किया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ये पास किया जाता है. स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो आपकी आपके जो एमपीज हैं उनके द्वारा ये पास किया जाता है. यूनियन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है. अगर ये स्टेट लेवल की बात करते हैं जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान की, तो वहां पे ये विधानसभा में MLA के द्वारा पास किया जाता है. एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, इनके द्वारा ही इसको एनेक्ट किया जाता है. विच डू नॉट मेक एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉल अंडर द कैटेगरी. तो ये मतलब वो वाले कानून होते हैं जो संविधान में बदलाव नहीं लाते. ऑर्डिनरी लॉज फॉर्म द बल्क ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज इन एवरी कंट्री. कोर्ट्स टेक कॉग्निशंस ऑफ दिस लॉ अलोन एंड अप्लाई इट इज डिसाइडिंग केसेस ऑफ डिस्प्यूट. तो इनके बारे में जो संज्ञान होता है कोर्ट लेता है कि ये कैसे काम करेंगे. कॉग्निशंस होता है संज्ञान लेना, इनके बारे में ध्यान रखना या ध्यान देना. देन नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट लॉ. अब प्राइवेट लॉ ये जो होता है ये भी एक कैटेगरी होता है. इसकी कैटेगरी होता है स्टैट्यूट और ऑर्डिनरी लॉ की. प्राइवेट पर्सन, इंडिविजुअल और अ बॉडी नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट. तो ये जो प्राइवेट लॉ होता है दैट मीन्स ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है. दो प्राइवेट संस्थाएं हो सकती हैं या दो प्राइवेट पर्सन हो सकते हैं या एक प्राइवेट पर्सन होगा और दूसरी तरफ भी प्राइवेट ही कोई संस्था होगी. उनके बीच के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करना, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको मानना जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसके बारे में ये बात करता है. यहाँ में स्टेट कंसर्न नहीं होती, यानी कि देश जो भी सरकार होगी इस कानून में इन्वॉल्व नहीं होती. नेक्स्ट है पब्लिक लॉ. पब्लिक लॉ इसको एक साधारण कानून ही होता है, उसका ही एक आगे काइंड है. ये रेगुलेट किया जाता है, पब्लिक लॉ रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द स्टेट. इसका रिश्ता स्टेट के साथ पता चलता है.
यानी कि कोई कानून होगा जो स्टेट के द्वारा बनाया जाता है और उसको फॉलो कौन करेगा, एक इंडिविजुअल, एक आम व्यक्ति जैसे हम लोग हैं। जो भी सरकार के द्वारा नियम बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, उनको हम फॉलो करेंगे। मेड बाय द स्टेट, तो ये कानून जो होते हैं सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी, तो लोगों के बिहाफ पे ये कानून बनाए जाते हैं। इसमें लोगों की सहमति भी होती है क्योंकि ये सोसाइटी की डिमांड होती है पब्लिक लॉ, इसीलिए पब्लिक के लिए वाले कानून बनाए जाते हैं। पब्लिक लॉ स्टेट इज वन ऑफ द पार्टी कंसर्न, तो इसमें एक तरफ स्टेट होगा और दूसरी तरफ जो एक इंडिविजुअल होता है वो होता है। व्हेन वन ऑफ द पार्टी इन्वॉल्व इन अ लीगल राइट इज द स्टेट, जब कोई भी ऐसा लीगल कामकाज हो रहा है जिसमें एक पार्टी स्टेट होती है, एंड राइट ऑफ द पब्लिक कम्स विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ पब्लिक लॉ, तो ऐसा कानून पब्लिक लॉ की अथॉरिटी में, ज्यूरिस्डिक्शन या कानूनी दायरे में आ जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को बोलते हैं अध्यादेश, तो जो अध्यादेश होता है ये लोकसभा यानी कि एमपीज के द्वारा नहीं बनाया जाता। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो रियल एग्जेक्टिव होते हैं वो बनाते हैं। देखो जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके जब सेशन चलते हैं तभी वो आपको लोकसभा में कानून बनाते हुए देखने को मिलते हैं। मगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर मान लो देश में कोई कुदरती आपदा आ गई है, या देश में किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई लग गई है इंडिया की, या कोई बहुत ही जरूरी कानून है इंडिया को चाहिए, मगर उस वक्त संसद नहीं चल रही, लोकसभा और राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा, तो उस दौरान राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि लोकसभा से, राज्यसभा से कोई भी कानून पास कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो ऑर्डिनेंस लेके आएंगे और मतलब डायरेक्टली वो कानून पास हो जाएगा। और ऐसे कानून की जो वैलिडिटी होती है भारत में होती है 6 महीने, तो वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा, और जब लोकसभा या राज्यसभा का सेशन स्टार्ट होगा तो तब से उसकी वैलिडिटी हो जाएगी 6 हफ्ते, और तब लोकसभा या राज्यसभा डिसाइड करेंगे कि उसको कानून मतलब परमानेंट कानून की फॉर्म देनी है या नहीं देनी है। इन केस इट इज प्रपोज टू कंटिन्यू इट बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ बिल इन द लेजिस्लेचर, तो उसको जो ऑर्डिनेंस होता है जिसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होती है, अगर एमपी चाहते हैं राज्यसभा या लोकसभा के कि उसको परमानेंट कानून का रूप हमने देना है, तो उसके लिए वो फिर लेजिस्लेचर में यानी कि लोकसभा में या राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सेवंथ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासकीय कानून, टू डील विद केसेस बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑफिशियल्स, तो कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो वहां पे जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, सरकारी मुलाजिम जिनको बोलते हैं, अगर आपका और उसके साथ कोई भी डीलिंग होगी, उससे जुड़ा हुआ अगर कोई केस होगा, तो उसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ऐसे कानून हमें देखने को मिलते हैं, प्रिवेल मतलब प्रचलित होते हैं कहाँ पे, इंग्लैंड में, यूएसए में, इंडिया में। इंडिया में उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, इसकी बात की गई है आर्टिकल 14 में। थोड़ा सा डिटेल में हम जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर करेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन प्राइवेट सिटीजन एंड ऑफिशियल्स, यानी कि ये जो बिल होता है डिफ्रेंशिएट नहीं करता, मतलब कि कानून सभी को ये वाला एक समान समझता है, इक्वालिटी यहाँ पे प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। प्रिवेयर अ सेपरेट सिस्टम ऑफ लॉ फॉर डीलिंग विद केसेस व्हिच अराइज बिटवीन प्राइवेट सिटीजन एंड ऑफिशियल्स, तो जो भी प्राइवेट सिटीजन होते हैं, जैसे प्राइवेट सिटीजन हम लोग और ऑफिशियल्स, तो जिस भी ऑफिस में जाओगे अगर किसी ऑफिशियल के साथ आपका केस हो तो उसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेक्स्ट है जज मेड लॉ और केस लॉ, तो देखो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है ना कि जो कानून बनाने का काम होता है वो जज के द्वारा किया जाता है। ऑर्डिनरली क्या होता है कि जो कानून बनाने का काम होता है वो जज का नहीं होता, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, इंटरप्रेट एंड अप्लाई लॉ, यानी कि कोई भी कानून जो लोकसभा राज्यसभा यानी कि जो भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है उसका
अनुवाद करना, उसको इंटरप्रेट करना और अच्छे से व्याख्या उसको एक्सप्लेन करना, एंड अप्लाई लॉ तो और उसको अप्लाई करना, ये मेन फंक्शन होता है जज का। हाउएवर कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कई बार कोई कानून नहीं बना होता, या कई बार सिचुएशन ऐसी होती हैं जो डाउटफुल सी होती हैं, तो उस डाउटफुल सिचुएशन को एम्बिग्यूटी, डाउटफुल सिचुएशन को दूर करने के लिए, उस गैप को दूर करने के लिए जज की तरफ से एफर्ट्स की जाती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जो SC/ST एक्ट है 1989 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि ऐसा बिल लाने में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो थोड़ी हेजिटेट करती थी, मगर गवर्नमेंट को लगा कि दिस इज नीड ऑफ द आर, कि ऐसा कुछ बिल होना चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ही ऐसा बिल बना दिया था। और फॉलोड जो भी केसेस वगैरह होते हैं इससे जुड़े हुए, उन सभी में इसको फिर फॉलो किया जाता है। बाद में इसको एक प्रॉपर कानून फिर इंट्रोड्यूस करना ही पड़ता है, जब मान लो जजेस ने ही कोई कानून बना दिया, तो उसको एक प्रॉपर शेप दे दी जाती है लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा। नेक्स्ट है सिविल लॉ, नागरिक कानून, कंसर्न नॉर्मली विद डिस्प्यूट विद टू और मोर प्राइवेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा कानून होता है जो दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्तियों, जो भी प्राइवेट, जिनको हम प्राइवेट पर्सन बोलेंगे, और या कोई संस्था, उनके बीच में जो कोई इश्यू होगा उससे जुड़ा होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट को, समझौते को तोड़ता है, क्लेम्स टू प्रॉपर्टी, कोई किसी का प्रॉपर्टी का दावा होता है, ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम मैरिज और डाइवोर्स, तो कई बार जैसे मैरिज होती है या डाइवोर्स होता है, तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर वो कोई अच्छे से नहीं निभाता, तो फिर वो सिविल लॉ में, सिविल लॉ के तहत उस मुद्दे को देखा जाता है, इनिशिएटेड इन द कोर्ट्स नॉट बाय द स्टेट बट बाय द पार्टीज। तो जो ये चलाया किसके द्वारा जाता है, शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, एक जो इंडिविजुअल होता है उसके द्वारा चलाया जाता है। मान लो अगर दो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई इशू है, मुद्दा है, तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को अच्छे से नहीं रखता, तो वो जाके केस कर सकती है, तो ऐसा केस वो सिविल लॉ के तहत ही करेगी। अगर मान लो डाइवोर्स हुआ पड़ा है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो वाइफ चाहती है कि उसको कंपनसेट, यानी कि थोड़ा सा मुआवजा मिलना चाहिए पति की तरफ से हर महीने, तो वो भी सिविल लॉ के तहत ही डील किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ, तो इसको हम बोलते हैं फौजदारी कानून, ब्रांच ऑफ लॉ विच डिफाइंस एंड फॉरबिड्स द एक्ट दैट इन्फ्रिंज अपॉन द राइट्स ऑफ द स्टेट, इज कॉल्ड क्रिमिनल लॉ। तो जो क्रिमिनल लॉ जो होता है, इसकी नेचर ऐसी होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन होती है, यानी कि जिसने कुछ गलत किया है उसको पनिशमेंट दी जाती है। जैसे मान लो किसी ने चोरी की है, तो चोरी की है तो दैट मीन्स वो उसको सजा मिलेगी, तो उसकी जो भी एक इंडिविजुअल की गलती होती है उसके लिए उसको सजा मिलती है। इट गिव्स टू द रॉन्ग डूअर व्हाट ही डिजर्व फॉर हिज कंडक्ट, जिसने कुछ गलती की है उसके आचरण के अनुसार उसको सजा दी जाती है, रेंडर्ड थ्रू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होती है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेवल्स द एक्विजिशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द पर्सन हु इज एलीग्ड टू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकार की तरफ से वकील होगा और उस व्यक्ति के खिलाफ वो केस लड़ता है। अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग रिजल्ट्स इन इन्फ्लिक्शन ऑफ पनिशमेंट सच एज इम्प्रिजनमेंट, डेथ और फाइन, तो जो जिस व्यक्ति ने गलती की होगी उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, उसके ऊपर फाइनेंशियल फाइन भी लग सकता है। इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग द प्रोसिक्यूटर क्लेम्स नो राइट, तो जो प्रोसिक्यूटर होता है, जो मान लो सरकार की तरफ से जो वकील होगा, वो अपने कोई राइट्स की बात नहीं कर सकता, बट अक्यूजेस द डिफेंडेंट ऑफ अ रॉन्ग, उसका मेनली काम ये होगा कि जो एक क्रिमिनल ने गलती की है वो साबित करना, उसकी गलती को साबित करना, ये उसका अधिकार होगा बस। क्रिमिनल केस इज डिस्क्राइब्ड बाय
the courts as state versus and so on. तो ऐसे जो केस होते हैं उसका नाम क्या होता है, स्टेट वर्सेस विशाखा ऐसे कुछ हो सकता है, स्टेट वर्सेस किसी भी एक इंडिविजुअल का नाम होगा तो वो साथ में नाम लिख दिया जाएगा. तो ऐसे इन केस के बारे में आप पता कर सकते हो. देन लास्ट है इंटरनेशनल लॉ. लाइक इंडिविजुअल स्टेट्स कैन नॉट अफोर्ड टू लीड एन आइसोलेट लाइफ. जैसे एक व्यक्ति अकेले में लाइफ अपनी नहीं गुजार सकता, ऐसे ही एक देश बाकी देशों के साथ बिना संबंध बनाए अपना सारा समय नहीं निकाल सकता. हालांकि आज के टाइम में आपको सारे देश इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं और सोवरन, यानी कि उनके पास अपनी प्रभुसत्ता है और उसको वो मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि जो भी रूल्स नियम डिसीजन लिए जाते हैं देश के द्वारा इंडिपेंडेंटली लिए जाते हैं, दूसरे किसी देश की उसमें किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती. देर आर म्यूचुअल एक्सचेंजेस अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो बावजूद इसके भी अलग अलग देशों के बीच में आपको रिलेशन देखने को मिलता है. उसका कारण ये होता है सो दैट कि वो जैसे मान लो इंडिया के पास कुछ नहीं है और वो दूसरे देश से वो चीज़ मंगवाना चाहता है तो वो इम्पोर्ट करवाएगा. जैसे इंडिया के पास देखो पेट्रोल इतना सफिशिएंट जो इंडिया की डिमांड है वो पूरी करने के लिए इंडिया के पास नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, जो अरब कंट्रीज हैं या अमेरिका है वहां से हम पेट्रोल मंगवाते हैं. तो हमारे देश में दैट मीन्स हमें एक जो उनके कानून है, जब दोनों देशों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों देशों को कहीं ना कहीं अपनी जो प्रभुसत्ता होती है उसको त्यागना पड़ता है. दोनों रूल्स एंड रेगुलेशन जो होता है चार्ट बनेगा इंटरनेशनल लेवल पे उसको वो फॉलो करेंगे. तो यही इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं इनको मनाने के लिए बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसीज भी आपको देखने को मिलती हैं, ऑर्गेनाइजेशन. जैसे सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट टाइम में है तो वो है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. फिर आप बात कर सकते हो यूनाइटेड नेशन की, फिर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हो, या मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लोगों के भले के लिए, या मतलब दो देश या दो से ज्यादा देश उसके सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं और उसका जो भी कानून होगा उसको वो फॉलो करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर एक और भी एक उदाहरण है जैसे ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अगर मान लो कोई ऐसा एक मुद्दा है जो दो देश या दो देशों से ज्यादा के बीच का मुद्दा है, जैसे मान लो कोई इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, तो वो वाला जो केस होगा वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी लड़ा जाएगा, ना ही वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिलेगा. वो केस जाएगा ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो वहां पे जो डिसीजन आएगा वो दोनों ही देशों को मानना पड़ेगा. ऐसे एग्जाम्पल भी है कुलभूषण यादव का, आपने नाम सुना होगा. तो पाकिस्तान उनको पकड़ा हुआ है, वो बोलते हैं कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ ये उसके सदस्य हैं, इसीलिए हमने उनको पकड़ा हुआ है, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान में आके जासूसी कर रहे थे, इसीलिए हम उनको फांसी की सजा देंगे. इंडिया ने क्या किया कि वो केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए ICJ में. तो वहां पर ICJ ने जो डिसीजन सुनाया उसमें उनकी जो फांसी की सजा है जो पाकिस्तान की कोर्ट की तरफ से दी गई थी उसके ऊपर फिलहाल रोक लगा दी है. तो आगे वो केस चल रहा है. तो क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ही इसके सदस्य हैं ICJ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, इसीलिए जो डिसीजन ICJ का आया दोनों ही देशों ने उसको स्वीकार किया. तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल लॉ भी होते हैं जो उनके मेंबर्स के द्वारा माने जाते हैं, देश इनके मेंबर होते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक.